अगर आप इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, कीमत जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट अक्षय जाखड़, और आपका हमारे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट है जो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना किसान भाई। और कुछ इस प्रकार से फ्रंट साइड है जो दिखाई देती है, जॉन डियर 5105 की, जो कि 40 HP का ट्रैक्टर किसान भाई। सिंगल पीस बोनट है ये देखिए, और वहीं देखिए भाई एरोडायनेमिक शेप का इसका डिज़ाइन है वो दिया गया है कुछ इस प्रकार से। 5105 जो कि 40 HP का ट्रैक्टर है किसान भाई, 2900 CC के इंजन के साथ में 2100 इंजन रेटेड RPM जनरेट करता है। 3 सिलेंडर इंजन इसका, और 616 का फ्रंट का टायर मिलेगा, स्ट्रेट एक्सल मिलेगा, फ्रंट है जो नॉन एडजस्टेबल, और ये SFC प्लेट दी गई है। अभी आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं क्या जानकारी है इसके अंदर, टोटल आपको मिल जाएगी। और सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ में पावर स्टीयरिंग है वो आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। बोस कंपनी का इनलाइन पंप इस ट्रैक्टर में दिया गया है किसान भाइयों, और कुछ इस प्रकार से है जो वाटर सेपरेटर, हीट शील्ड मिलेगी। तो इससे क्या है कि किसान भाई के पैरों तक गर्मी ना जाए इंजन की, तो इसलिए दी गई है हीट शील्ड 40 HP के ट्रैक्टर में। और वैल्यू प्लस 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 मॉडल है ये V2, और ऊंचाई काफ़ी है ट्रैक्टर की किसान भाई। और वहीं क्लासिकल टाइप के फेंडर दिए गए हैं, और क्लासिकल टाइप का इंडिकेटर आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। मजबूत फेंडर है काफ़ी, ऊंचाई काफ़ी है ट्रैक्टर की, इसके लिए एक फुट स्टेप है वो आपको देखने को मिलेगा इस ट्रैक्टर के अंदर। तो चलिए इसका डैशबोर्ड है वो चेक कर लेते हैं किस प्रकार का किसान भाई। खुला प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर में दिया गया है टोटल, तो कुछ इस प्रकार से ड्राइव व्यू इस ट्रैक्टर का आता है। देखिए इजी स्टेयरिंग व्हील पावर स्टेयरिंग है, डिजिटल और क्लासिकल दोनों का कॉम्बिनेशन इस ट्रैक्टर के डैशबोर्ड में यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको जो देखने को मिलेगा। और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग प्लग भाई, और एक्सीलेटर है हैंड एक्सीलेटर। तो ये साइड मिरर दिया गया कुछ इस प्रकार से, ऑयल एम्ब्रेस्ड डिस्क ब्रेक मिलेंगे इस ट्रैक्टर के अंदर आपको। इजी एक्सीलेटर है वो दिया गया किसान भाइयों, ये देखिए इजी एक्सीलेटर। और वहीं 8 फॉरवर्ड के गियर मिलेंगे, और 4 रिवर्स के गियर है वो इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेंगे आपको। और ये DC और पोजीशन कंट्रोल दोनों लीवर है जो दी गई है 1600 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में भाई। तो ये देखिए फेंडर ग्रिल, सेफ्टी ग्रिल बोलते हैं जिसे, तो वो दी गई है। और ये भाई स्विचेज और कुछ हैंड ब्रेक, तो कुछ इस प्रकार से है भाई। ये देखिए KBR यानी कि 8 फॉरवर्ड के और 4 रिवर्स के गियर मिलेंगे, PTO लीवर होते हैं इसे, तो वो भी दी गई है। और ये फ्यूल टैंक है भाई 60 लीटर का, पीछे है फ्यूल टैंक, तो इसलिए काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक आपको उस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। मुझे भाई खास तौर पर इसका जो डैशबोर्ड स्टेयरिंग व्हील है वो काफ़ी शानदार लगा हुआ इस ट्रैक्टर का। और ये डिफरेंशियल लॉक है भाई, और ड्राइव सीट है वो एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट है जो इस ट्रैक्टर को सीट को कर सकते हैं। और 13-28 के पिछले टायर है वो इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेंगे। हैवी ड्यूटी रिम के साथ में अभी किसान भाइयों, मजबूत फेंडर पिछले जो फेंडर पर पीछे की साइड में है जो ये मिलेगी आपको, टूल बॉक्स है जो लोहे की टूल बॉक्स दी गई है काफ़ी मजबूत। तो ये फ्यूल टैंक, रिफ्लेक्टर, और ये टॉप लिंक के लिए, ये देखिए भाई, और 1600 kg लिफ्ट कैपेसिटी, ADDC टाइप की है, ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाली, हुक को आप एडजस्ट कर सकते हैं। PTO पावर है जो इसकी वो 34 HP का PTO दिया गया है, और 540 RPM से 2100 इंजनरेटेड RPM तक का। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं। और इसकी कीमत के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो इसकी कीमत 5,90,000 से 6,10,000 तक हो सकती है। और ये पिछली लाइट है भाई, बैक लाइट बोलते हैं इसे, तो वो दी गई है कुछ इस प्रकार से। और ये इस कंपनी का ग्रीन मास्टर रोटावेटर है, तो आप इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको। तो देखिए इधर वाली साइड में डिफरेंशियल लॉक, ये ऑयल फिल्टर है भाई काफ़ी मजबूत, सेफ्टी लॉक दिया गया है यहाँ पे इसके। ये देखिए पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हीट शील्ड, छोटी सेल्फ दी गई है, डबल फिल्टर पंप मिलेंगे आपको लिफ्ट के लिए अलग से और पावर स्टीयरिंग के लिए अलग से। तो ये सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग है जो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो लव यू और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को।